गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर है। पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई है। छत्तीसगढ़ विजन टीवी के पत्रकार को मिली धमकी, जान से मारने की धमकी दी गई है। पीडीएस चावल के अवैध परिवहन के समाचार कवरेज करने के बाद मिली धमकी। फोन पर हाथ पैर काटने का दिया गया है धमकी। पीड़ित पत्रकार दहशत में, दहशत पत्रकार पहुंचा देवभोग थाना। दातार रायस्मेल झाखड़पा के संचालक ने दी है धमकी। इस बात को लेकर पत्रकारों में दिखा आक्रोश, पत्रकार पहुंचे पुलिस के शरण में। गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर है। पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई है। छत्तीसगढ़ विजन टीवी के पत्रकार को मिली धमकी, जान से मारने की धमकी दी गई है। पीडीएस चावल के अवैध परिवहन के समाचार कवरेज करने के बाद मिली धमकी। फोन पर हाथ पैर काटने का दिया गया है धमकी। पीड़ित पत्रकार दहशत में, दहशत पत्रकार पहुंचा देवभोग थाना। दातार रायस्मेल झाखड़पा के संचालक ने दी है धमकी। धमकी देने वाले भाजपा के नेता। इस बात को लेकर पत्रकारों में दिखा आक्रोश, पत्रकार पहुंचे पुलिस के शरण में। अधिक जानकारी के लिए गरियाबंद से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता जय विलास शर्मा। हाँ तो जय विलास, क्या है पूरा मामला? नेहा जी, पूरा मामला ये है कि यहाँ पर देवभोग विकास खंड में झाकरपारा का एक दातार राइस मिल का जो संचालक है वो आए दिन अवैध परिवहन करते हुए वो चावल की तस्करी करता है। यहाँ के पीडीएस के चावल का तस्करी करता है। जब इसकी सूचना हमारे छत्तीसगढ़ विजन टीवी को मिली तो कुछ पत्रकार साथियों के साथ हमने वहाँ पर पहुँचा तो हमने पाया कि वहाँ पर पीडीएस का चावल की तस्करी हो रही थी और उन्होंने वहाँ का जो वाहन का ड्राइवर है उसने बताया कि वो दातार राइस मिल को इसकी सप्लाई कर रहा है और वहाँ से उसके पश्चात हम लोग वीडियो और विजुअल और बाइट लेकर वहाँ से वापस लौट रहे थे। तभी वहाँ के संचालक आसिफ मेमन का फोन आया और उसने फोन पर पत्रकारों को यानी मुझे जान से मारने की धमकी दी और हाथ पांव काटने की धमकी दी और उन्होंने धमकी भरे शब्दों में कहा कि अगर आइंदा गाड़ी को रोकी गई या गाड़ी से पूछताछ की गई तो वहां जो है आपके खिलाफ में हम जो है आपके हाथ पांव काट देंगे। जी सुनना, नहीं चाहिए ऐसी तैसी कराना तो नहीं चाहिए तेरा ऐसी तैसी कराना, हाथ पर तेरे काटूंगा मैं। लेकिन गाड़ी गाड़ी मत रोकना, तू गाड़ी कौन रोकता है भाई? तू मेरा धान है, मेरा चावल है, व्यापारी को बेचता हूँ, मेरा काम है। हम रोके नहीं है, छोड़ दिए और तेरा गाड़ी का अभी हम खबर बनाएंगे। हाँ नहीं, खबर बनाना तेरे को जितना खबर बनाना है बना, लेकिन ये कोई तरीका है? पांव काटेगा रे तू, क्या करो तुम, क्या हाथ पैर काटेगा? नहीं नहीं, गाड़ी हाथ पैर तेरे को हजार बार मैं समझाया। मैं क्या धमकी दी गई है और इस धमकी से पत्रकार संघ का क्या रुख है? नेहा जी, इस धमकी के बाद जब हम इस बात को पत्रकार संघ में रखा गया तो पत्रकार साथियों ने उसकी शिकायत जो है पत्रकार साथियों के साथ इसकी शिकायत जो है यहाँ पर स्थानीय थाने में की गई है और वहाँ पर देखते हैं कि वो पत्रकार संघ का कहना है कि यहाँ पर उस पर क्या कार्रवाई होती है। उस पर जो है थानेदार अभी छुट्टी पर हैं और छुट्टी से आने के बाद क्या कार्रवाई होता है उसको देखते हैं। यदि इस व्यापारी के खिलाफ यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो पत्रकार संघ जो है धरने पर बैठेगी, ये पत्रकार संघ का निर्णय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। गरियाबंद से जय विलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।